मौके का इंतजार नहीं होता, कर्म का इंतजार होता है। वाह 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 वाह। अच्छा बाप पहली मरतबा चल मदीना कब हुए थे? चल मदीना हुए थे या मिल मदीना हुए थे? क्या आपको, आपने वैसे मुतालबा किया हो चल मदीना का, और कभी ऐसा हुआ कि आपको भी ना हुआ हो? फिलहाल तो अदनान भाई को ईदी चाहिए थी, तो मैं अदनान भाई को बताऊं कि साल में 2 दफा ऐसा होता है कि बड़ा से बड़ा आदमी सोचता है शायद मैं बच्चा होता। बच्चे पूरा साल सोचते हैं कि शायद हम बड़े होते जी, लेकिन बड़े साल में 2 दफा सोचते हैं कि शायद हम बच्चे होते हैं। ईदी मिल जाती तो एक वक्त होता है जेब में आ रहा होता है, एक वक्त होता है जेब से जा रहा होता है। ऐसी बात है, बराबर। खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं 92 में मिल मदीना हुआ था जी। फिर उस वक्त आपने चल मदीना का मुतालबा नहीं किया था मेरे सुनने से? मुझे भी चल मदीना कर दे। क्या था? क्या आपने कोई धमाल माल नहीं डाली आपने? मतलब क्या, क्यों नहीं हुए आप चल मदीना? असल में वो टाइमिंग की बातें होती है, डाली तो सब चीजें थी लेकिन वो लेट हो गई। अल्लाह, हर चीज अपने वो टाइमिंग पर अच्छी लगती है, वो टाइमिंग पर ही उसका रिजल्ट मिलता है। लेट हो गए थे। ये हुआ था बस। फिर उसके बाद 2001 में माशा, और फिर 2000 ये पीछे 18 और 19 माशाल्लाह, क्या बात है। ऐसा आपने इससे पहले भी हज किया? आपने अमीर सुन्नत के साथ हज करने से पहले? 92 से पहले मैं नहीं गया, हज नहीं किया, उमरा किया उससे पहले भी नहीं किया। फर्स्ट टाइम मदीने पाक की हाजिरी दावत इस्लामी आने के बाद ही हुई थी। क्या बात है, ये भी अल्लाह पाक की खास अता है। अच्छा अब आप ऐसे लोगों से तो मिले होंगे कि जिन्होंने अमीर सुन्नत से पहले भी, यानी चल मदीना होने से पहले भी हज किया होगा और अमीर सुन्नत के साथ भी किया, ऐसे किसी आदमी से मिले? मैं खुद हूँ। नहीं पहले, आपने पहले तो नहीं किया ना, आपने तो अमीर सुन्नत के साथ ही किया ना? साथ ही किया था, मेरा काफिला अलग था, अमीर सुन्नत का काफिला अलग था। अच्छा, 92 में। सही सही सही, ठीक। क्या फर्क महसूस किया आपने अमीर सुन्नत के बगैर और इनकी सरपरस्ती में, इनके साय में? फर्क ही फर्क है, खुद जाए कुछ और होता है, आशिकों के साथ जाए तो कुछ और होता है। और वो ले जाए वो एक अलग फिर कुछ और पिक होता है, तो वो एक होता है। लेकिन मैंने 92 में एक हाजिरी तो मैंने खुद ही दे दी थी जब मैं पहुंच हाजिरी हुई थी, उसके बाद उसी सफर में दूसरी हाजिरी अमीर सुन्नत के साथ हुई थी, तो फर्क तो वहीं सामने आ गया था। वाह वाह। असल में हर एक अपना अपना जुदा जुदा अंदाज होता है ना बारगाह रिसालत में हाजिरी का, तो अमीर सुन्नत का अपना एक अंदाज होता है हज का, उमरे का, इल्म, तक्वा, परहेजगारी, इश्क। इसलिए हमें है किताबों में कि जब भी हज करे तो किसी आशिक रसूल के साथ करना चाहिए। कभी ईद पे अमीर सुन्नत ने किसी को चल मदीना किया है वैसे? कोई इस तरह की कोई मिसाल माती में है ईद पे चल मदीना भी फरमाया हो, याद आपको आ रहा हो? ये ईद के दिनों में ये मौजू चल बनता नहीं है असल में अमीर सुन्नत के साथ,